कहते हैं तुम बच्चे पांडव हो, पा आ का डंडा लग गया, एक मात्रा बढ़ गई। पांडव किसके बच्चे है? पांडे के बच्चे। जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के बच्चे एक मात्रा बढ़ गई ब्राह्मण में, क्या हुआ? ब्राह्मण। ऐसे ही पांडे के बच्चे पांडव, तो पंडा तो एक है, फिर पांडव कितने बताए? पांच पांडव बताए। वो पांच पांडव स्वदेशी थे, सही स्थिति में रहने वाले थे, या कौरवों यादवों की तरह ज्यादा देवान में रहने वाले थे? सही स्थिति में रहने वाले थे, परंतु पांच पांडवों की माता एक थी या दो है? दो माताएं थी, एक का नाम कुंती और एक का नाम माद्री। कुंती शब्द कुंत शब्द से निकला है, ऊंची स्टेज में उड़ने वाली। ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली तो जो ज्ञान योग से ऊंची स्टेज में रहेगा उसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा सहन शक्ति होती है। जिसमें ज्यादा सहन शक्ति होती है वो दुख देने वालों के बीच में भी रह करके प्रसन्न रहेगी या दुखी रहेगी? माँ भी प्रसन्न रहेगी, क्योंकि जो ज्ञान की ऊंची स्टेज में रहते हैं वो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान लेते हैं, वो भोगवादी दृष्टिकोण के नहीं होते हैं। तो कुंती का सारा जीवन कौरवों के परिवार में रह करके बीता या पांडवों के साथ रही? कौरवों के साथ रही। दूसरी रानी का नाम था माद्री, मध्यदेश से आई। मद
मत से बना मद्र, उससे बना माद्री, मद किसे कहते हैं? मदम आते ना बनो, मदम माने नशा, देह अहंकार का नशा होता है, उसका नाम रहा माद्री। पांच पांडवों का मतलब पांच पांडव नहीं थे सिर्फ, ये कैटेगरी बताई गई है भारतवासियों की। युधिष्ठिर धर्म युद्ध में आदि से अंत तक स्थिर रहने वाले, भीम, भीम माने भयंकर, आज से अंत तक उन्होंने भयंकरता का पार्ट बजाया। सौ कौरवों को अकेले मारा, मारने के निमित्त बना। कीचक जैसी ढेर आत्माओं को मारने के निमित्त बना, और बड़े बड़े राक्षसों को भी मारने के निमित्त बना। तो जो भयंकर भयंकर कार्य होता था वो करता था। खाता भी बहुत था, काम ज्यादा करेगा तो खाएगा कि नहीं खाएगा, है? बहुत खाता था। भीमकर्मा ब्रकोदर है, जैसे भेड़िया होता है ना, बहुत खाता है, बड़े पेट वाला। और फिर अर्जुन, तीखा पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, जो ईश्वरीय ज्ञान रतन है उनको अच्छे तरह से बुद्ध रूपी तरकस में धारण करने वाला। श्रेष्ठ पुरुषार्थी ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिसको भगवान बहुत सपोर्ट करते हैं, खूब साथ देते हैं, उसे कहा जाता है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों के बीच में जो बहुत बुद्धिमानी का काम करता है, ये एक कैटेगरी हुई। और भारतवासियों की दूसरी कैटेगरी है नकुल और सहदेव, जो आत्माएं अपने 84 के चक्र के बीच में ऐसा पार्ट बजाती हैं कि न भारत की पक्की रहती हैं और न विदेश की पक्की रहती है। जब तमो प्रधान बनती है तो भारतवासियों को छोड़ देती है और विदेशियों का पल्ला पकड़ लेती है, विदेशियों के चक्कर काटने लगती है। कौन है वो, है? कौन? सन्यासी, और जब सत्व प्रधान होते हैं
तो ऐसे देखने में आते हैं जैसे पक्के भारतवासी त्यागी तपस्वी हैं। इसलिए न स्कूल के हैं पक्के, न स्कूल के हैं पक्के, उनका नाम दिया है नकुल। वास्तव में नकुल नेवला को कहा जाता है, जो सांप जैसी विषयी विकारी आत्माओं के टुकड़े टुकड़े कर देता है, खंडन कर देता है। जैसे बाबा ने बताया है, ये सन्यासी जब निकलेंगे तो जितने भी विधर्मी हैं, विषय विकार का विष उगलने वाले हैं, उन सबका खंडन खंडन करके रख देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तब तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। ऐसे भारतवासियों की भी पावरफुल आत्माओं की कैटेगरी है, जो झाड़ के चित्र में दाई ओर मोटी जड़ के रूप में दिखाए गए हैं, माने बहुत पावर भरी हुई है। और आखिरी है पांडवों की आखिरी कैटेगरी सहदेव, जिन्होंने सदैव देवता कुल की आत्माओं को ही सपोर्ट किया है, दूसरे धर्म की आत्माओं को सपोर्ट नहीं किया है। नहीं तो बौद्ध धर्म के लोग बड़े आसानी से मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, उनकी तलवार गर्दन पर रखी गई और बीवी बाल बच्चों को सरेंडर कर दिया। जैसे कि आर्य समाजी, यहां देखी तबाबा रात वहीं बिताई सारी रात, सब धर्मों में कन्वर्ट होती रहे। पुराने धर्मों को छोड़ा, नए धर्म को पकड़ा, फिर नया पुराना हो गया तो उसको भी छोड़ा, फिर और नए को पकड़ लिया। आज के कांग्रेसी राजनीति के नाम नेता क्या करते हैं, एक पार्टी में पक्के रहते हैं या पार्टियां अवसरवादी बनकर के पलट देते हैं, पलट देते हैं, जैसे कि उन्हें धर्म से कुछ लेना देना नहीं। तुम कोई भी धर्म को फॉलो करो, हमारा तो धर्म निरपेक्ष राज्य है। जैसे कि अधर्मी बन गए, मौका परस्त होने के कारण नए नए धर्मों को पकड़ते गए, पुराने पुराने धर्मों के ऊपर से आस्था हटती गई, तो किसी भी धर्म पर उनको आस्था पक्की है नहीं बैठी, धर्म के ऊपर से आस्था ही उखड़ गई। भगवान के साकार स्वरूप से आस्था ही उखड़ गई। तो जो सहदेव की क्वालिटी के भारतवासी होते हैं, वो ऐसी कैटेगरी के नहीं होते हैं, वो सदैव देव आत्माओं को सहयोग देने वाले हुए, और इतना सहयोग देते जितना देव आत्माओं ने भी सहयोग नहीं दिया भारत को। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने ज्यादा बलिदान दिए हैं या सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए, ज्यादा बलिदान किसने दिए, सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए। तो अगर इनकी बुद्धि में बात बैठ जाए तो ये सपोर्ट सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं को करते हैं, दूसरे धर्मों से सदैव इन्होंने टक्कर ली है।
ये सीखने और सिखाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम सिख संप्रदाय कहा गया। तो भारतवासियों की 5 कैटेगरीज हैं, जिनमें से अंतिम 2 माद्री से पैदा हुए, अहंकार बहुत होता है। काहे का अहंकार? देह का अहंकार। और मोटे ताजे हस्तपुष्ट भी होते हैं, काहे से? हैं? देह से। तो 2 माताएं हैं तो 2 प्रकार के पांडव हुए, लेकिन आपस में प्रेम प्यार बहुत है, कुंती में त्याग तपस्या ज्यादा थी, तो उससे पैदा हुए बच्चों में भी त्याग तपस्या ज्यादा रही। इसलिए 2 माताएं हैं जो पंडा की पत्नियां गाई हुई हैं, तिरुपति में भी 2 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से नाम? पद्मावती और श्रीदेवी। शास्त्रों में जो कथाएं आती हैं, वहां भी 2 रानियों के नाम आते हैं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद राजा के 2 रानियां थी, नाम क्या रखा राजा का? उत माने ऊंचा, ऊंचे ऊपर, तान माना तान लिया, पाद माने बुद्धरूपी पांव, बुद्धरूपी पांव को जिसने ऊपर टांग दिया या तान दिया। सदैव बुद्धरूपी पांव जिसका ऊपर ही धरा रहे, वो कौन सा राजा हुआ? है कोई तो आत्मा होगी ना, जो याद में इतनी तीखी हो कि अंत समय में सदैव बुद्धि रूपी पांव ऊपर ही पड़ा रहे। तो वही प्रजापिता की बात है, उसी को पंडा कहा गया है, जिसमें रास्ता बताने वाला प्रवेश करता है, उसी को शास्त्रों में दिखाया गया है कि द्वितीय और अद्वितीय 2 रानियां थी सृष्टि के आदि में, कश्यप को, काशी माने याद का तेज, पा माने पीने वाला, जो याद का तेज पीने वाला था उसको 2 रानियां दिखाई गई। तो अलग अलग तरीके से शास्त्रों में एक ही बात को अनेक रूपों में दिखाया गया है। वो 2 रानियों की कथा कहानी कई कई बार आई है, उनके अलग अलग नाम दे दिए हैं अलग अलग कथा कहानियों में। महाभारत में कुंती
और माद्री के रूप में नाम दिए हुए हैं। पहले कौन मरती है? दोनों रानियों में से पहले कौन मरती है? माद्री। अनिश्चय बुद्धि होकर मरती है या देह से मरती है? है? अनिश्चय बुद्धि होकर मरती है। तो कथा कहानियां सारी यहां की हैं। देह अभिमानी का नाम दिया गया है सारे जगत की अम्बा, क्योंकि जगत में राक्षस भी हैं। राक्षसों का कंट्रोलर कौन बनेगी? हैं? बाप तो सदैव प्यार का सागर ऊपर रहता है, फिर वो राक्षसों को कंट्रोल कौन करेगा? है? ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने सभी राक्षसी धर्म के धर्म वाले ब्राह्मणों को गोद में स्थान दिया, पालना दी, प्यार दिया। जिनको प्यार दिया वो ऐसे ऐसे खतरनाक निकले जिन्होंने ब्रह्मा का ही हार्ट फेल किया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के साथ ऐसे खतरनाक बच्चों का हिसाब किताब तो बना ना कि नहीं बना? बना। वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? यही संगम युग में पूरा होगा या सतयुग में पूरा होगा? संगम युग में ही पूरा होता है, वही ब्रह्मा की सोल फिर निमित्त बनती है जगदम्बा के रूप में। शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि जगदम्बा जब असुर संहारिणी बनती है तो धर्मराज उसके हाथों में क्या देता है? है? धर्मराज काहे से सजा देता है? है? अरे मुरली ने बोला हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। है? तो हड्डी हड्डी काहे से तोड़ेगा? है? अरे कौन सी चीज है का प्रहार होता है तो हड्डी टूटती है? गदा हो डंडा हो तो हड्डी टूटती है ना, तो दंड दिया है। इन असुरों की हड्डी हड्डी चूर चूर कर दो। किसके हाथ में दंड दिया? वो ही जगदम्बा शक्ति के रूप में। इसलिए वो शक्तियां ही असुर संहारिणी गायी हुई है। निमित्त मात्र कहा जाता है। धर्मराज धर्म का राजा, धारणाओं का राजा ब्रह्मा। जैसे शंकर के लिए कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, परंतु शंकर तो करता नहीं है। प्रैक्टिकल में वो कार्य करता कौन है? है? शक्तियां ही करती हैं। शक्तियों में भी खास निमित्त वो हैं जो रुद्रमाला के मणके हैं। जो भी रुद्रवत्स हैं वो सब जैसे के धर्मराज के दूत हैं। है? त्री माने तीन, गायन माने गायन। ऐसी तीन देवियां जिनका विशेष गायन है,
तीन देवताओं के तो नाम मालूम है, कौन है तीन देवताएं? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो उनकी तीन देवियां भी होंगी कि नहीं होंगी? वो तीन देवियां जब सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं तो गायत्री कही जाती है। और वेद का धन, वेद का धन माने ज्ञान धन। जो ज्ञान धन है जो सिर्फ ईश्वर से मिलता है, ईश्वर के अलावा और जो भी देने वाले हैं वो सब अज्ञान देने वाले हैं या ज्ञान देने वाले हैं। 2000 वर्ष की हिस्ट्री कहती है जितने भी धर्मात्माएं हुए, महात्माएं हुए, ऋषि मुनि हुए, प्राचीन ऋषि मुनि ने तो स्वीकार भी किया, नेति नेति, हम आदि मध्यंत को नहीं जानते, लेकिन और जितने भी धर्म पिताएं हुए, बड़े बड़े मनीषी हुए, उन सब ने जो कुछ भी बोल बोल के सुनाया, सिखाया मनुष्यों की जनरेशंस को, उससे दुनिया नीचे गिरी या ऊपर उठी? नीचे गिरती गई। तो एक है सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्ची जानकारी देने वाला कि जीवन को कैसे चलाना चाहिए, और बाकी सब हैं अज्ञान देने वाले। तो जो ईश्वर आकर के ज्ञान धन देता है, उस ज्ञान धन को अव्वल नंबर में धारण करने वाले सुन के सुनाने वाले, समझ के समझाने वाले, मान करके दूसरों से मनवाने वाले, उनकी फर्स्ट क्लास माला में कितनी आत्माएं होती हैं? हैं? वो तो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर है, 108। 108 जो राजाएं होते हैं वो सिर्फ सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग में ही राजाएं बनेंगे, और उनके पास स्थूल खजाना बनेगा, वो भविष्य में ही बनेगा या यहां भी बनेगा? है तो फिर पूछते काहे के लिए जब जानते हैं? है अरे ज्ञान धन जिनके पास होगा वो ही भविष्य में जाकर के बड़े से बड़ा धंधा करने वाले साबित हो जाएंगे। और धंधे सब सब धंधे नुकसान होने वाले हैं। एक ईश्वर का धंधा, ब्राह्मणों का धंधा, संसार में चारों तरफ खूब रोशन होगा। और जिनके पास वो ज्ञान धन होगा उनके लिए स्थूल धन की तो कमी रहेगी ही नहीं। इस बात पर निश्चय न होने के कारण अभी जो वर्तमान ब्राह्मण है नंबरवार, वो अपना धंधा धोरी नहीं छोड़ पा रहे हैं। विनाशी धंधों में ही तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की शक्ति लगा रहे हैं।
इसलिए ये प्रश्न पूछा तो ठीक ही पूछा, कम से कम लोगों की आंखें तो खुले। और बाप होता है संबंध, एक गुरु संबंध होता है, राजाई जैसा कंट्रोलिंग पावर किसके पास होती है? गुरु के पास होती है या बाप के पास होती है? है गुरु के पास होती है। गुरु रहम नहीं करेगा, क्योंकि जो शिष्य है उसका पैदा किया हुआ नहीं है, उसके पैदा करने में उसने ताकत शक्तियां नहीं लगाई है, पालना करने में शक्तियां नहीं लगाई है, तो कोई मोह उतना नहीं रहता है। जैसे कि राजा होता है और राजा की प्रजा होती है, वो प्रजा राजा के बच्चे हैं या नहीं है? बच्चे तो हैं, लेकिन राजा के पैदा किए हुए नहीं है। इसलिए जब दंड विधान करता है तो राजा को जरा भी मोह नहीं आता है। ऐसे ही राजाएं निकालता है, फरमान जारी करता है, गुरु भी फरमान जारी करता है। फरमान पर चलेंगे तो ठिकाना मिलेगा, और फरमान का ना फरमानी की तो डब्बा गोल। बाप सिर्फ आज्ञा देता है, बच्चे बाप के प्रति आज्ञाकारी होते हैं। आज्ञाकारी बच्चे होते हैं तो भी बाप पालना करता है, आज्ञाकारी नहीं होते हैं या नंबरवार होते हैं तो भी बाप बच्चों की पालना करता ही है, क्योंकि बाप का संबंध मां से भी जुटा हुआ है। बाप में मोह नहीं होगा, लेकिन मां के अंदर तो मोह होता ही होता है। माँ कैसे भी अवज्ञाकारी बच्चे को अपनी गोद से अलग नहीं कर सकती। तो चार संबंध हैं, और चार संबंधों में चार प्रकार के फॉलो करने के लिए नियम है। एक है बाप का संबंध है, टीचर का संबंध है, गुरु का संबंध है, और पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी के संबंध में वफादारी चाहिए, पति अपनी पत्नी से विशेष किस बात की आशा रखता है? है वफादारी की आशा रखता है। अगर पत्नी वफादार नहीं तो पति पत्नी का संबंध ही जैसे खलास हो जाता है। इसलिए चार बातें बताई हैं, चार संबंधों के हिसाब से, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार।
ये चार विशेषताएं अगर हैं, चार संबंधों के हिसाब से, तो कोई भी आत्मा बहुत सीखी जा सकती है पुरुषार्थ में। आपने कहा है शंकर प्रेरणा देता है शक्तियों को और नाश करवाता है, और बाबा तो कहते हैं कि प्रेरणा से तो कुछ भी होता नहीं है, प्रेरणा से तो कुछ भी होता नहीं है एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ शंकर प्रेरणा से शक्तियों को प्रेरणा देता है और नाश करवाता है। सब दो बातें भी सब ऋषि मुनियों के जंगल में शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, वो हिंसक क्यों नहीं बनते थे? वहां शेर को ऐसी प्रेरणा किससे मिलती थी जो गाय या बकरी की हत्या नहीं करता था? किसकी प्रेरणा का प्रभाव था? किसके वाइब्रेशन का प्रभाव था? है ऋषि मुनियों की प्रेरणा, ऋषि मुनियों का वाइब्रेशन। ये एक तरह से कंट्रोलिंग पावर है ऊंचे से ऊंची, और भगवान किसी को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? है कोई पावर इंपोज करता है किसी के ऊपर? कोई कार्य कराने के लिए भगवान निराकार शिव जो है वो इस शक्ति पर आता है तो किसी के ऊपर कुछ दबाव डालता है किसी बात का कि ऐसा करना ही पड़े? करता है? है नहीं करता है? वो सिर्फ रास्ता बताता है, किसी के ऊपर वाइब्रेशन का भी प्रभाव नहीं डालता। दृष्टि का भी ऐसा फोर्स नहीं डालता कि ये परिवर्तित हो जावे ये रह जावे। वाचा का भी ऐसा कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं डालता, उस वाचा के दबाव से कोई को परिवर्तन होना लाजमी हो जाए, नहीं तो 70 साल हो गए। ज्ञान सुनाते सुनाते कोई परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि भगवान किसी को प्रेरणा नहीं देता, अपने वाइब्रेशन का प्रयोग नहीं करता, अपनी वाचा के फोर्स का प्रयोग नहीं करता, कर्म इंद्रियों के फोर्स का भी प्रयोग नहीं करता। अगर ऐसा करे तो बल का प्रयोग करने वाला बलात्कारी कहा जाएगा या सहज योग सिखलाने वाला कहा जाएगा? है बलात् किसी से जबरदस्ती कार्य कराना, ये तो अच्छी बात नहीं। बलात्कारी मनुष्य आत्माएं हो सकती है या भगवान हो सकता है? है मनुष्य हो सकते हैं, और जो त्रिदेव हैं वो सदैव देवता रहते हैं कि कभी मनुष्य भी होते हैं? है मनुष्य भी होते हैं, वो सदैव अगर देवता रहे तो उनकी जो पैदाइश होगी
वो देवता ही पैदाइश होगी या जानवरों की या बिच्छू टिंडन की पैदाइश होगी? है तो देवताओं की पैदाइश होनी चाहिए। तो शिव परमात्मा जो निराकार है, सदैव निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, वो प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके नर को नारायण जैसा, नारी को लक्ष्मी जैसा बनाता है, देवता बनाता है। वो कोई को जानवर, कोई को राक्षस, कोई को बिच्छू टिंडन कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाता है। ये 84 लाख योनियों में भ्रमण करके ये शूटिंग कौन करता है? फिर जो भक्ति मार्ग में गायन हो गया मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में चक्कर काटती है। किसकी यादगार है? है? मनुष्य आत्मा ही ऐसे कर्म करती है। ऐसे जानवरों के बिच्छू टिंडनों के स्वभाव संस्कार धारण करती है। इसलिए दिखाया कि भगवान को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेरणा देकर के कार्य कराए तो फिर इस सृष्टि में किसी तन में आने की दरकार है ही नहीं। भगवान तो आकर के सिर्फ ज्ञान सुनाता है, ज्ञान से किसी को प्रभावित नहीं करता है। हर आत्मा अपने पूर्व जन्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ज्ञान को धारण करती है अथवा नहीं धारण करती है, या नंबरवार धारण करती है। भगवान किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करता। कौन करता है फिर? है मनुष्य आत्मा। मनुष्य आत्माओं में मुखिया कौन है? है त्रिदेव, 35 करोड़ देवताएं, उनमें भी मुखिया त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर। वो मनुष्य आत्माएं जोर जबरदस्ती करने की स्वभाव संस्कार वाली है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कितना भी धारणावान ब्रह्मा कुमार क्यों न हो, दूसरों को अपने अंडर दी कंट्रोल चलाने की वृत्ति सब में है, नंबरवार या नहीं है? सबके अंदर है। तो शंकर द्वारा प्रेरणा गाई हुई है, शिव द्वारा प्रेरणा गाई हुई नहीं है। और दौरान बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसमें 24 मंत्राएं होती है, उसका क्या मतलब? कौन कौन सी 24 मुद्राएं होती है? मत्स्य होता है, मत्स्य होता है, लिंग, समुद्र। हाँ, संध्या कोई होती है? सवेरे को नहीं होती? सवेरे को भी होती है। तो पूछने का मतलब क्या है फिर? संध्या वंदन में जो मुद्राएं होती हैं, हाँ, उसका बेहद क्या मतलब है? ये जो संध्या वंद्या जो वंदन होता है, वो भगवान की याद की प्रक्रियाएं बनाई है भक्ति मार्ग में। ये हठयोग की प्रक्रियाएं हैं या राजयोग की प्रक्रियाएं हैं? हठयोग की प्रक्रियाएं हैं, मनुष्यों की बनाई हुई प्रक्रियाएं हैं। राजयोग का तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान ने आकर के जब राजयोग सिखाया था तो सीखने वाली जो मनुष्य आत्माएं थी
उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्वभाव संस्कार धारण किए हुए थे। मत्स्य माने मछली, कोई मछली जैसा स्वभाव संस्कार धारण करने वाली भी होते हैं। मछली क्या करती है? मत्स्य न्याय प्रसिद्ध है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मछलियां अनेक प्रकार की होती हैं, माने मछली जो सागर में रहने वाली है, जिनका जीवन सागर में ही होता है, वो मछलियां ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सागर के अंडर दी कंट्रोल पनपने वाली हैं। ज्ञान सागर की दुनिया से अगर बाहर के माहौल में चली जाएंगी तो क्या होगा? छटपटा के खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह का स्वभाव संस्कार धारण करने वालों ने जो उपासक हैं, उनके आधार पर मत्स्य नाम रख दिया। जो भी नाम दिए हैं वो काम के आधार पर दिए हैं या ऐसे ही दे दिए हैं? काम के आधार पर दिए। भक्ति मार्ग में स्थूल बातों को उठा लिया, वो स्वभाव संस्कार तो धारण करने वाली बात नहीं आई। क्या किया उन्होंने? शरीर का जोड़ गांठ करके ऐसा रूप बनाया जो नाम पड़ गया मत्स्य। हाँ, जैसे आसनों के नाम रख दिए, ये भी तो हट योग है। भुजंगासन, भुजंग माने है सर्प, देखने में ऐसे लगता है शरीर का ढांचा ऐसा बना देते हैं जैसे सांप, सारा शरीर नीचे पड़ा हुआ है और छाती गर्दन और सर ऊपर उठ गया, तो नाम रख दिया मत्स्यासन, वो भुजंगासन। ऐसे ही मछली का रूप बना लेते हैं। शलभासन, और सारी गरी इकट्ठे होके आ रहे हैं। प्रश्न आया है, लक्ष्मी का पुत्र गणेश जैसा क्यों दिखाते हैं? अभी थोड़ा सा इसका जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? है गणेश माने जानवर जैसा मुख क्यों दिखाते हैं? लक्ष्मी का पुत्र है, लक्ष्मी तो देवी है ना, तो देवी का पुत्र देवी देवताओं जैसा होना चाहिए या जानवरों की सूरत वाला होना चाहिए? है देवियों जैसा होना चाहिए, फिर कैसा दिखाते हैं? हाथी जैसा मुगड़ा क्यों दिखाई दिया? अभी जवाब दिया कि नहीं दिया? हाँ, किस लिए? क्योंकि ब्राह्मणी की संगमी की दुनिया में जो त्रिदेव हैं और उनकी सहयोगिनी शक्तियां हैं, जब पुरुषार्थ करती है देवी देवता बनने का, तो उस समय एकदम देवी देवता बन जाते हैं या पुराने 63 जन्मों के संस्कार प्रत्यक्ष होते रहते हैं बीच बीच में? है जानवरियत के स्वभाव संस्कार ब्राह्मणों के जीवन में लक्षित होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो जो जानवरियत के संस्कार लक्षित हो गए
उससे फिर ऐसी रचना तैयार हो जाती है जानवरों जैसी। जब देवी देवता बन जाएंगे एवर लास्टिंग, तो सतयुग में देवताएं पैदा होंगे या कोई जानवर भी पैदा होंगे? हैं? देवता ही पैदा होंगे। ये द्वापर कलयुगी जो संस्कार हैं, वो ब्राह्मणों के जीवन में जानवरियत के संस्कार, कीड़े मकोड़ों के संस्कार प्रदर्शित होते रहते हैं। शूटिंग पीरियड में लक्षित होते रहते हैं। इसलिए गणेश हनुमान की पूजा द्वापर में दिखाते हैं या कलयुग में दिखाते हैं? है? कलयुग में दिखाते हैं। नहीं नहीं, प्रश्न आया है कि ब्रह्मा से असुरों ने तपस्या करके वरदान लिए, और जो मोस्टली वरदान लिए उनमें ऐसे वरदान ज्यादा होते हैं जिसमें तीनों लोगों के ऊपर उनकी विजय हो जाती है। क्या स्वर्ग में भी राक्षस राज्य करते कर लेते हैं, पृथ्वी पर भी राज्य करते हैं, और पाताल लोक में भी राज्य करते हैं? तो उसकी इसकी शूटिंग कैसे होती है? पहली बात तो ये है, ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ब्रह्मा से वरदान पाने वाले असुरों की संख्या कहाँ ज्यादा दिखाई पड़ रही है? हैं? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में ये सीढ़ी के चित्र में साबित तो हो गया कि सन 76 से ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में 9 कोटि के ब्राह्मण हैं, 9 कैटेगरी के। राक्षसी ब्राह्मण में भी हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं। सन 76 से पहले सारी ही ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ राक्षसों का राज्य था। देवताओं का राज्य था या नहीं था? है? नहीं था। ज्ञान के आधार पर जब राक्षसों का राज्य था तो उन्होंने वरदान ले लिए। किससे? है? ब्रह्मा से वरदान लिए। और तीनों लोगों के ऊपर राज्य करने के भी वरदान लिए। तो अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में दुनिया वालों को जो स्वर्ग दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? हैं? उस स्वर्ग के ऊपर राज्य कौन कर रहे हैं? वो राज्य करने वाले देव आत्माएं हैं या राक्षस हैं? हैं? राक्षस ही है ना। तो साबित तो हो गया क्या कि राक्षस अभी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में
दुनिया वाले जिसको स्वर्ग समझते हैं वहां वो राक्षस राज्य भी कर रहे हैं, और जो राजा इंद्र है उसका डायरेक्शन पर पूरे चल रहे हैं, या जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल देते हैं है? ब्राह्मणों की संगम दुनिया में राजा इंद्र का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? डरपोक है। राजा इंद्र को डरपोक दिखाते हैं या निर्भय दिखाते हैं, तो कौन है? राम वाली आत्मा डरपोक है। निर्भय माने किसी का भय नहीं। और राजा इंद्र को भय रहता है कि नहीं रहता है? मेरे स्वर्ग लोक के ऊपर कोई आक्रमण न कर दे, स्वर्ग के ऊपर कोई विजयी होके न बैठ जाए, तो कौन है ऐसी वो आत्मा है? प्रजापिता है। प्रजापिता बहुत भयभीत है। इंद्र दिखाते हैं कि स्वर्ग पर राज्य करने का अधिकारी तो था या नहीं था? और कोई दूसरे देवता को क्यों नहीं बताया? 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से और कोई ये क्यों नहीं बताया कि वो अधिकारी है? देवताओं के बीच में राजा इंद्र को ही अधिकारी बताया। ये अधिकार दिया गया, अगर असुर लोग उस पर राज्य भी कर लेते थे स्वर्ग के ऊपर, तो भी त्रिदेव जो हैं वो इंद्र की सहायता करते थे या नहीं करते थे? करते थे। फिर भी इंद्र को राज्य दिलाते थे, क्यों? उसमें गुण ऐसा कौन सा था? हैं? हैं? क्या? हाँ, नहीं नहीं, सहनशीलता का तो ठीक, सहनशीलता का तो नहीं कहेंगे उतना। हाँ, इंद्र नाम ही तब पड़ता है जब इंद्रियों को जीतने वाला बने, तो देवताएं ही इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। और देवताओं में पहला पत्ता कौन है? है प्रश्न की सोल। तो वो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में भी अभी राज्य करता भी है, फिर कभी कभी असुर जो हैं उनका प्रभाव जास्ती हो जाता है उस स्वर्ग लोक में, और वो असुर उसकी बात नहीं भी मानते हैं। अव्यक्त वाणी के सारे डायरेक्शंस को, सारे फरमान को ब्राह्मणों की दुनिया में मान रहे हैं या निग्लेक्ट भी कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब निग्लेक्ट कर देते हैं तो असुरों का राज्य, जब मानते हैं तो ब्रह्मा वाली सोल का राज्य। तो राज्य तो चल रहा है, इसका इंद्र का भी बीच बीच में राज्य चलता है, और बीच बीच में जो आसुरी आत्माएं हैं वो भी कंट्रोल कर लेती हैं उस स्वर्ग लोक के ऊपर। बाकी दूसरा लोक है पृथ्वी लोक,
जो पृथ्वी लोक है उस पृथ्वी लोक में सभी धर्मों के होंगे या सिर्फ देवताएं होंगे? सभी धर्मों के मौजूद होने चाहिए। पृथ्व्यात इसी पृथ्वी, जो फैलती जाती है वो पृथ्वी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म की आत्माओं का, हर धर्म खंड का विस्तार होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? है? होता जा रहा है। तो ये पृथ्वी लोक होगा जहाँ के लिए शास्त्रों में गायन है कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जावेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो नरक में, पाताल में, गड्ढे में जावेंगे।